हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोस अपलोड करने चाहिए या फिर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो स्मॉल यूट्यूबर्स है, यानी कि जो बिल्कुल नए हैं या फिर जिनके 1000 से कम सब्सक्राइबर्स है, उनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि उनके लिए कौन सा वीडियो लॉन्ग या फिर शॉर्ट ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, जब हम बात करते हैं एक नए यूट्यूबर का, जो मतलब बिल्कुल एकदम फ्रेश यूट्यूबर है, जो अभी के अभी स्टार्ट कर रहा है अपना चैनल, तो उनके लिए गाइस मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको अपने पहले 1 या 2 वीक तक आपको 5 मिनट से कम के वीडियोस अपलोड करने चाहिए, यानी कि शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने चाहिए आपको। 5 मिनट से कम होनी चाहिए उनकी लेंथ। उसका रीजन ये है कि जब भी आप अपना एक नया चैनल बनाते हो तो क्या होता है कि आपके पास बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स वहां नहीं होते हैं, तो आप 10-10 मिनट के वीडियोस अगर आप बनाओगे तो आपको वहां पे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि देखने वाले कोई होंगे नहीं। ठीक है, अब ऐसे में 10-10 मिनट की वीडियोस बनाने में मेहनत भी ज्यादा लगती है, और इससे भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह होता है कि जब आप अपना नया चैनल बनाते हो तो आप काफी सारे लोगों को अपने वीडियोस को शेयर करते हो सकता है वो आपकी वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड ना हो, तो ऐसे में क्या होगा कि वो आपकी वीडियोस को 1 मिनट के लिए या फिर 1.5 मिनट के लिए देख के उस वीडियो को बंद कर देंगे। तो अगर ऐसे में क्या होगा, आपके चैनल का ऑडियंस रिटेंशन, मतलब एवरेज वॉच टाइम, मान लीजिए कि आपके 10 मिनट की वीडियो को 10 जनों ने देखा और उन 10 जनों ने 1-1 मिनट ही देखा, तो आपका जो ओवरऑल ऑडियंस रिटेंशन रहेगा वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। ठीक है, यानी कि 10% के आसपास आपका ऑडियंस रिटेंशन रहेगा, मतलब 10 मिनट की वीडियो पे अगर 10 जने देखेंगे तो आपको 100 मिनट का वॉच टाइम मिलना चाहिए, लेकिन वहीं पर सब जने आपकी वीडियो को सिर्फ 1-1 मिनट देख रहे हैं, तो आपको वहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां पे आपको सिर्फ 10 मिनट का वॉच टाइम मिल रहा है, जहां पर 100 मिनट का मिलना चाहिए था। तो इससे आपके पूरे चैनल का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो सिर्फ 10% हो जाएगा। तो गाइस, यहां पर 10% होने की वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि शुरू में ही आपके चैनल का ऑडियंस रिटेंशन डाउन हो जाएगा और आगे जाके आपके चैनल की ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपना एक नया चैनल स्टार्ट करते हो तो आपको 5 मिनट से भी कम का वीडियो डालना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि अगर 3 या 4 मिनट का, मान लीजिए कि हम 4 मिनट लेके चलते हैं कि आपने 4 मिनट का वीडियो अपलोड किया यहाँ पर, तो होगा क्या कि यहां पर आपके 4 मिनट की वीडियो को अगर 1 मिनट का वॉच टाइम भी मिलता है तो आपका जो ऑडियंस रिटेंशन रहेगा वो रहेगा 25%। ठीक है, 4 मिनट में के अंदर एक एक करके 4 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट को अगर कोई भी देख लेता है तो 25% का वॉच टाइम यहाँ पे मिल जाता है, और अगर कोई 2 मिनट देखता तो 50%। ठीक है, तो ये टोटल जब एवरेज निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास आपको ऑडियंस अटेंशन रहता है अगर आप 3 या 4 मिनट का वीडियो अपलोड करोगे तो ये बेनिफिट रहता है छोटे यूट्यूबर्स के लिए। और इसमें एक और चीज है कि अब आप सोचेंगे कि 2 मिनट के 3 मिनट के वीडियो से आप वॉच टाइम कैसे बनाओगे, तो भाई लोग मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले 1 या 2 वीक तक आपको अपने ऑडियंस रिटेंशन के बारे में ही सोचना चाहिए। 2 वीक के बाद आप अपने एनालिटिक्स चेक करो और उसमें देखो कि आपको एवरेज कितने मिनट तक लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, आप एनालिटिक्स चेक करो, आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, 2 वीक के बाद आप 5 मिनट से ऊपर की वीडियोस बना सकते हो, 10 मिनट का नहीं बनाना है, 8 मिनट तक के वीडियोस आप बना सकते हो, और फिर आप 2 वीक और ऐसे काम चलाते रहो और 2 वीक के बाद आप देखो कि आपके उन वीडियोस पे कितना ऑडियंस रिटेंशन रहा है। ये पूरा चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि 50% या 45% तक रहता है आपका ऑडियंस रिटेंशन, तो आपको उसके बाद आप 10 मिनट के ऊपर के वीडियोस बना सकते हैं, ताकि आपके पूरे चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम भी बने, जो कि रिक्वायर्ड होता है पिछले 365 डेज में। तो यहाँ पर ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि पिछले 365 डेज में आपका जो वॉच टाइम है वो 4000 आवर्स का होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरू में ही 10 मिनट के या 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बना के आपके चैनल का ओवरऑल वॉच टाइम या फिर ओवरऑल ऑडियंस रिटेंशन आप कम कर दो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपके चैनल की ग्रोथ पे ये बहुत बुरी तरह इफेक्ट पड़ेगा और आपका वो चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मेरे पुराने जो 1st, 2nd, 3rd, 4th जो वीडियोस है मेरे चैनल पे, वो 3 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट से ज्यादा के वीडियोस नहीं है। उसके बाद जाके मैंने लंबे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनमें से एक वीडियो मेरा अच्छा खासा चलने लग गया था, जिसके वजह से मुझे काफी सारा वॉच टाइम मिलने लग गया चैनल पे। तो इस वजह से मैंने उसके बाद लेंथी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो लेकिन मैंने भी शुरू में जो वीडियोस बनाए हैं वो छोटे वीडियोस ही बनाए थे, तो आपको भी यही करना चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई थी, हमने छोटे यूट्यूबर्स की बात यहाँ पे कर ली, जो बिल्कुल नए यूट्यूबर्स थे उनकी बात हमने यहाँ पर कर ली। अब हम चलते हैं
लॉन्ग वीडियोस के बारे में। अब गाइस लॉन्ग वीडियोस बनाने का फायदा मैं आपको बताता हूँ। यहां पर जो बात मैं कर रहा हूँ वो नए यूट्यूबर्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नए यूट्यूबर्स को भी इससे फायदा जरूर होता है, लेकिन ऑडियंस रिटेंशन के बारे में पहले हमें देखना पड़ता है, बाद में हमारे वीडियोस की रैंकिंग के बारे में सोचना है हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की वीडियोस को बनाने का क्या फायदा होता है। गाइस जो सब्सक्राइबर, जो भी यूट्यूबर्स है जिनके 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, उनको सोचना चाहिए 10 मिनट या 15 मिनट तक की वीडियोस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पे 90% वीडियोस जो फर्स्ट नंबर पे रैंक होते हैं किसी भी कीवर्ड पे, फर्स्ट नंबर पे या फर्स्ट पेज पे टॉप 5 में जो वीडियोस रैंक होते हैं उनकी लेंथ 90% केसेस में 10 मिनट से ऊपर का रहता है। अगर आप 10 मिनट से नीचे की वीडियोस बनाते हो तो उसके रैंकिंग और रैंक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, कितना भी अच्छा हो वीडियो, लोग 3 मिनट की वीडियो को 3 मिनट ही देखेंगे ना, 10 मिनट तो देख नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जो एक बंदा है जो किसी टॉपिक पर 3 मिनट का वीडियो अपलोड कर रहा है और एक बंदा है वो किसी टॉपिक पर 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर रहा है, यहां पर 10 मिनट वाले को ज्यादा वॉच टाइम मिलने के चांसेस रहते हैं कंपेयर टू 3 मिनट्स वाले के। तो ऐसे में उस 10 मिनट वाले का वीडियो रैंक होगा टॉप में क्योंकि उसको ज्यादा वॉच टाइम मिला है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जब हमारे सब्सक्राइबर्स एक बार ज्यादा हो जाते हैं, 1000, 2000, 3000 जब हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तब हम अपने ऑडियंस के बीच में एक भरोसा बना लेते हैं। तो इस वजह से हमारे ऑडियंस हमारे वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो वो भरोसा एक बार बन जाए तो उसके बाद आपको अपने वीडियोस को हमेशा लेंथी बनाना चाहिए, ताकि फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कीवर्ड पे बनाते, हो सकता है सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो कम हो, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा वाले बनाने चाहिए हमें। लेकिन अगर आप कम सर्च वॉल्यूम वाले बनाते हैं तो कंपटीशन भी कम रहता है और आपके रैंक होने के चांसेस भी ज्यादा है, और साथ में अगर 10 मिनट का और वीडियो हुआ तो वहां पर रैंक होने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। तो ये जो फैक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस को वॉच टाइम बहुत मिलता है जब हम लेंथी वीडियोस बनाते हैं तो। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हमारे वीडियो में एंड तक कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक छोटी सी बात को लेके एंड तक बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ खास बात होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमने कवर कर ली। लॉन्ग वीडियोस के रैंकिंग फैक्टर के बारे में जो बातें थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब हम चलते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ, जो कि है मोनेटाइजेशन। हमारे चैनल पे जब ऑन हो जाता है उसके बाद जो लेंथी वीडियोस होते हैं उनको फिर से फायदा मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम एक लेंथी वीडियोस बनाते हैं तो उनके रैंक होने के चांसेस तो वैसे भी है, और रैंक होने के बाद उनको मिलते हैं व्यूज, और व्यूज जब मिलते हैं तो उनमें आते हैं एड्स। लेकिन अगर आप एक छोटे वीडियोस की बात करोगे, जैसे कि 3 मिनट के 4 मिनट की वीडियोस जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही ऐड आता है, और जो 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर के जो वीडियो होते हैं उनमें 2 एड्स आते हैं, वो भी तब जब आप अपने नॉन स्किपेबल एड्स को ऑन रखोगे तब जाके वहां पर 2 एड्स आते हैं। और अब थर्ड केस ये होता है कि अगर अपना 10 मिनट से ऊपर का वीडियो है और वो रैंक भी हो रहा है तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो के अंदर आप जितना चाहे उतना एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लगाते हैं 10 मिनट के अंदर के एड में, वो भी ज्यादा होता है। लेकिन हाँ ठीक है, 4 एड्स तो लग जाते हैं, 4 या 5 एड्स लग जाते हैं। अगर उससे ऊपर आप लगाओगे तो YouTube सोच का डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर लगाना है कि नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो अर्निंग होती है वो हमारी काफी ज्यादा हो सकती है। अगर हमारे 10 मिनट के 4-5 वीडियोस भी अगर टॉप पर रैंक रहते हैं तो अच्छी खासी अर्निंग हमें हो सकती है, क्योंकि उस वीडियो को अगर कोई एंड तक देखेगा तो 4 या 5 बार उसमें एड शो होंगे। व्यू आपका एक ही होगा लेकिन उसमें एड्स आपके बहुत बार शो होंगे, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस क्या है, गारंटी है, क्योंकि लंबे वीडियोस में ज्यादा एड्स आते हैं और ज्यादा पैसे हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करने का। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई वीडियो 3 मिनट या 4 मिनट में बन सकता है तो आपको उसे 10 मिनट का नहीं बनाना है, क्योंकि 3 मिनट या 4 मिनट में ही लोग समझ जाएंगे कि उस वीडियो में क्या है और फिर वो उस वीडियो को बंद कर देंगे, तो आगे जाकर भी आपका ऑडियंस रिटेंशन कम हो सकता है। तो इसलिए जो वीडियो 10 मिनट का बनना चाहिए उस वीडियो को तो आप 10 मिनट का बनाओ, लेकिन अगर आप जो वीडियो आप 5 मिनट या 4 मिनट में बन सकता है तो उसको 4 मिनट 5 मिनट में रखो, और हो सके तो 5 मिनट का कर देना, क्योंकि 4 मिनट की वीडियो को आप 5 मिनट में कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इतना ज्यादा इश्यू नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप 3 मिनट 4 मिनट के वीडियो को अगर आप 10 मिनट का बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपका ऑडियंस रिटेंशन फिर से कम हो सकता है, क्योंकि लोग उस वीडियो में जितना उनको सुनना होता है वो आप जनरली आप 3 या 4 मिनट में बोल देते हो, और शुरू में इंट्रो बहुत बड़ा नहीं रखना है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ये चीज एक बार बोल दो बहुत है स्टार्टिंग में, उसके अलावा लाइक करो, कमेंट करो, ये सब शुरू में बोलने की जरूरत नहीं, जब वीडियो एंड हो जाए तब आप बोल सकते हैं। उस चीज के लिए वीडियो को लेंथी मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है वो सुनकर ही लोग आपके वीडियो को छोड़ के चले जाए।
ठीक है, क्योंकि YouTube पे कंटेंट की कोई कमी नहीं है। हो सकता अगर एक अच्छा कंटेंट ढूंढोगे तो 10 अच्छे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होते हैं कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कंटेंट नहीं बनाते हैं, कुछ होते हैं बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, और सच बताऊं तो अच्छे कंटेंट बनाने वाले लोगों के वीडियोस हमारे सामने आते भी नहीं है, ठीक है। वो एक अलग रीजन है, वो यूट्यूब का कुछ ऐसा फैक्टर है, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस हम बिना मतलब सर्च किए हमारे सामने आ जाते हैं हमारे ब्राउज फीचर में। और बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, जैसे ब्रायन डीन हुए, नेल पटेल हुए, वैसे काफी सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं। नेल पटेल को मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो ब्रायन डीन करके एक यूट्यूबर है वो बहुत अच्छे यूट्यूबर है, लेकिन उनके वीडियोज हमें कभी सजेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। डब्ल्यू बी क्राफ्टर करके एक यूट्यूब चैनल है, वो एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है जो टेक्निकल बंदों के लिए सही रहता है। और इन सबके वीडियोस कभी आपने शायद देखे भी नहीं होंगे, कभी सुना भी नहीं होगा इनका नाम, लेकिन ये बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी है। लेकिन क्या करें, हमारा जो एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसा है कि हमारे सामने जो अच्छे यूट्यूबर्स है उनके वीडियोज नहीं आते। खैर गाइस, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अगर आप एक नए यूट्यूबर से तो आप नए यूट्यूबर है तो आपको शॉर्ट वीडियोस बनाने, और अगर आप पुराने यूट्यूबर है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि 10 मिनट के ऊपर के वीडियोस बनाओ, ताकि आपके वीडियोस रैंक भी हो जाए और मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है आपके चैनल पे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स आए और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।